क्या है दोस्तों, इन्फिनिक्स की तरफ से इन्फिनिक्स हॉट 11S स्मार्टफोन लॉन्च होने जा रहा है बहुत जल्द। लॉन्च डेट भी रिवील हो गया है, लेकिन लास्ट में बात करेंगे स्मार्टफोन आपको कब तक देखने मिलेगा। एंड इस स्मार्टफोन का जो प्राइस देखने मिलेगा बहुत ही एग्रेसिव प्राइस देखने मिलेगा, क्योंकि ऐसा कुछ ही स्मार्टफोन होगा जो कि इस प्राइस के साथ आपको इस तरह के स्पेसिफिकेशन एंड इस तरह का डिजाइन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। कोई भी स्मार्टफोन है शायद कोई ऐसा दे रहा होगा, बट ये जो स्मार्टफोन है ना इन्फिनिक्स हॉट 11S, इसमें आपको बहुत ही अच्छा स्पेसिफिकेशन देखने को मिलेगा एंड प्राइस भी बहुत ही कम देखने को मिलेगा। एंड उसके साथ साथ इसका जो लुक है ना बहुत ही अच्छा लुक यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए बात कर लेते हैं आज के इस वीडियो में इन्फिनिक्स हॉट 11S की पूरी डिटेल्स के बारे में, क्या प्राइस होने वाला है, क्या स्पेसिफिकेशन रहने वाला है एंड कब तक आपको इंडिया में देखने को मिलेगा। तो आइए अब दोस्तों वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखेंगे। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम विकी और आप देख रहे हैं मोबाइल चेकपॉइंट यूट्यूब चैनल। तो आपको पता ही होगा कि इन्फिनिक्स के जो स्मार्टफोन होता है बहुत ही मतलब बजट स्मार्टफोन होता है, बहुत ही कम प्राइस में लॉन्च होता है, मतलब बहुत ही आपको ऊपर नीचे देखने को मिलता है स्पेसिफिकेशन, बट इस स्मार्टफोन में आपको बहुत ही अच्छा स्पेसिफिकेशन देखने को मिलता है। तो चलिए बात करते हैं। तो पहले बात करते हैं स्मार्टफोन की डिजाइन के बारे में। तो यहाँ पर आपको जो डिजाइन देखने को मिलेगा शाइनी डिजाइन यहाँ पर आपको दिया गया है। आपको बैक साइड में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा विद क्वाड LED फ्लैश लाइट के साथ। उसके साथ साथ आपको फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है। नीचे यहाँ पर आपको इन्फिनिक्स की लोगो देखने को मिल जाएगा। सर चाहे दोस्तों अगर बात करें फ्रंट सेट के बारे में, तो यहाँ पर आपको सेंटर पॉन्चो नॉच देखने को मिलेगा एंड यहाँ पर आपको जो डिस्प्ले देखने को मिलेगा बहुत ही बड़ा डिस्प्ले देखने को मिलेगा ऐसा बोला जा रहा है। एंड उसके साथ साथ यहाँ पर जो डिजाइन होने वाला है बहुत ही अच्छे तरीके से आपको डिजाइन देखने को मिलेगा इन्फिनिक्स हॉट 11S में। इन्फिनिक्स की सारा स्मार्टफोन आपको वाटर ड्रॉप या फिर ड्यूड्रॉप नॉच पे आप बोल सकते हो जो कि देखने को मिलता है, बट स्मार्टफोन को थोड़ा सा डेवलपमेंट किया गया है क्योंकि स्मार्टफोन आपको पॉन्चो नॉच देखने को मिलता है। तो डिजाइन वाइज स्मार्टफोन बहुत ही अच्छा होने वाला है इस प्राइस रेंज के अंडर। इसके साथ साथ दोस्तों अगर बात करें स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशन के बारे में, तो पहले बात करते हैं स्मार्टफोन के डिस्प्ले से। तो यहाँ पर आपको जो डिस्प्ले देखने को मिलेगा 6.82 इंचेस की फुल HD+ डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जहाँ पर आपको 90 हर्ट्ज की डिस्प्ले रिफ्रेश रेट दिया गया है। एंड उसके साथ साथ यहाँ पर आपको IPS डिस्प्ले देखने को मिलेगा, मतलब यहाँ पर आपको कोई AMOLED वगैरह नहीं दिया गया बल्कि यहाँ पर आपको IPS डिस्प्ले दिया गया। लेकिन यहाँ पर जो डिस्प्ले की क्वालिटी होने वाला बहुत ही अच्छा होने वाला है, बड़ा डिस्प्ले दिया गया एंड 90 हर्ट्ज वाला भी दिया गया। तो यहाँ पर आपको जो डिस्प्ले क्वालिटी देखने को मिलेगा बहुत ही अच्छा क्वालिटी का डिस्प्ले यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ दोस्तों अगर बात करें इन्फिनिक्स हॉट 11S की रैम एंड रोम वेरिएंट के बारे में, तो यहाँ पर आपको 4G+ 64GB एंड 6GB+ 128GB वाला वेरिएंट देखने को मिलेगा, अप टू यहाँ पर आपको 256GB वाला देखने को मिलेगा जो कि आप मेमोरी कार्ड वगैरह यूज कर सकते हैं। तो उसके साथ साथ दोस्तों अगर बात करें स्मार्टफोन की कुछ कनेक्टिविटी वगैरह, तो यहाँ पर आपको Type-C पोर्ट देखने को मिलेगा, 3.5mm हेडफोन जैक देखने को मिलेगा एंड यहाँ पर आपको रियर साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया एंड फेस अनलॉक सिस्टम भी देखने को मिलेगा। एंड उसके साथ साथ इसमें आपको जितने भी सारे जरूरी सेंसर्स है सारे के सारे सेंसर्स देखने को मिल जाएंगे एंड यहाँ पर आपको डुअल स्पीकर देखने को मिलेगा। जी दोस्तों, इस स्मार्टफोन में आपको डुअल स्पीकर दिया गया जो कि बहुत ही अच्छी बात है। इस प्राइस रेंज के अंडर कोई स्मार्टफोन में डुअल स्पीकर देना एक बहुत ही बड़ी बात हो जाता है। तो उसके साथ साथ दोस्तों अगर बात करें स्मार्टफोन की कैमरे के बारे में, तो यहाँ पर आपको रियर साइड में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, बट यहाँ पर आपको 50MP का मेन कैमरा देखने को मिलता है जो कि बहुत ही अच्छी बात है। पर इन्फिनिक्स हॉट 11S में आपको 50MP का कैमरा दिया गया जो कि मेन कैमरा है। साथ ही यहाँ पर आपको 2+2MP का दो और कैमरा देखने को मिलेगा, वैसे ये कुछ काम का नहीं है, बट 50MP का कैमरा है ना ये बहुत ही अच्छी तरह से ऑप्टिमाइज किया गया है, तो यहाँ पर आपको फोटोग्राफी बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा। साथ ही साथ दोस्तों अगर बात करें स्मार्टफोन की सेल्फी कैमरे के बारे में, तो यहाँ पर आपको 8MP का सेल्फी कैमरा देखें तो ये भी कुछ हद तक अच्छा ही है, कोई प्रॉब्लम वगैरह यहाँ पर भी आपको देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि प्राइस के साथ साथ यहाँ पर आपको जो कैमरा देखे बहुत ही अच्छा है। साथ साथ दोस्तों अगर बात करें स्मार्टफोन की ऑपरेटिंग सिस्टम एंड प्रोसेसर के बारे में, तो यहाँ पर आपको एंड्रॉइड 11 का ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलेगा। तो उसके साथ साथ अगर बात करें स्मार्टफोन के प्रोसेसर के बारे में, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा MediaTek की तरफ से न्यू प्रोसेसर जो कि MediaTek Helio G88 के प्रोसेसर। जो दोस्तों ये सेकंड स्मार्टफोन हो जाता है जिसमें आपको Helio G88 के प्रोसेसर देखने को मिलता है। जो पहला स्मार्टफोन है Redmi 10 Prime, इसमें आपको Helio G88 के प्रोसेसर दिए गए एंड ये नेक्स्ट फोन हो जाता है इन्फिनिक्स हॉट 11S जिसमें आपको Helio G88 का प्रोसेसर दिया गया। तो ये प्रोसेसर भी बहुत ही अच्छा है, कोई प्रॉब्लम वगैरह यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ पर आपको लैग वगैरह भी देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि ये प्रोसेसर बहुत ही अच्छा होता है, Helio G85 वगैरह से बहुत ही अच्छा होता है। तो उसके साथ साथ दोस्तों अगर बात करें स्मार्टफोन की बैटरी एंड फास्ट चार्जिंग के बारे में, तो यहाँ पर आपको 6000mAh की बड़ा बैटरी दिया गया। जी दोस्तों, फिनिक्स की स्मार्टफोन है दोस्तों, आपको पता होगा कि इसका जो बैटरी होता है बहुत ही बड़ा होता है। इसका प्राइस कितने भी क्यों ना हो, 5000 रुपये के स्मार्टफोन में भी आपको 5000-6000mAh बैटरी देखने को मिलते हैं इन्फिनिक्स की स्मार्टफोन में, तो इसमें आपको कम क्यों देखने को मिलेगा। तो इसकी वजह से बड़ा बैटरी दिया गया। यही नहीं, यहाँ पर आपको 18W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी दिया गया। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि यहाँ पर आपको 6000mAh की बड़ा बैटरी एंड 18W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया इन्फिनिक्स हॉट 11S में। तो
ये हो जाता है इन्फिनिक्स हॉट 11s की कुछ पूरी स्पेसिफिकेशन। अब दोस्तों अब बात करते हैं स्मार्टफोन की प्राइस यानी इंडिया लॉन्च डेट के बारे में। तो इस स्मार्टफोन का जो प्राइस आपको देखने को मिल जाता है, जो स्टार्टिंग प्राइस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 4G+64G वाला वेरियंट की प्राइस अराउंड 10,000 के आसपास यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। जी दोस्तों, ये पहला स्मार्टफोन हो जाता है जो कि हेलियो G88 प्रोसेसर के साथ आपको 10,000 रुपये में देखने को मिलेगा। वैसे ये एक्सपेक्टेड है, कन्फर्म नहीं है। तो देखते हैं इन्फिनिक्स इसको किस प्राइस रेंज में लॉन्च करते हैं। उसके साथ साथ दोस्तों अगर बात करें स्मार्टफोन की इंडिया लॉन्च डेट के बारे में, तो ये स्मार्टफोन 17 सितंबर को इंडिया में ऑफिशियली लॉन्च होने जा रहे हैं, जो कि आपको फ्लिपकार्ट में देखने को मिलेगा। जी दोस्तों, एक्सक्लूसिवली फ्लिपकार्ट में ये स्मार्टफोन ऑफिशियली लॉन्च होने जा रहा है 17 सितंबर को। ये हो गया इन्फिनिक्स हॉट 11s की प्राइस, स्पेसिफिकेशन एंड इंडिया लॉन्च डेट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना एंड साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर कर देना। नीचे कमेंट करके बता देना कि आज की वीडियो आपको कैसा लगा एंड इन्फिनिक्स हॉट 11s स्पेशली आपको कैसा लगा।